हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं दिल्ली रेड फोर्ट। आज हम उसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आप वीडियो जरूर देखना। हमें एंट्री करी है गेट नंबर 2 से, क्योंकि गेट नंबर 1 से एंट्री नहीं हो रही है, इसलिए हमें आना पड़ा ऑटो लेकर गेट नंबर 2 पे। अगर ऑटो कोई भी विजिट करता है यहाँ पे तो गेट नंबर 2 से एंट्री करे, जो जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने ही है। लाल किले में एंट्री के लिए हमें टिकट लेना है, टिकट के लिए लाइन लगी है बहुत लंबी, तो हम पहले टिकट लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। हम फाइनली टिकट मिल गया, अब हम लोग कर रहे हैं एंट्री लाल किले के अंदर और हम चलेंगे गेट नंबर 1 से। एंट्री है लाल किले के अंदर की, एंट्री गेट नंबर 2 से, सॉरी 2 है, ये एक है, ये गेट नंबर 1 है ना, जो एंट्री गेट 1 नंबर है और गेट नंबर 2 के पास हमें जाना है। अभी कर रहे हैं, अब हम मेन गेट पर जा रहे हैं जहाँ से लाल किले के अंदर की एंट्री होनी है। तो यहाँ से 1 किलोमीटर है और टिकट लेने के बाद 1 किलोमीटर है और आगे भी टिकट मिल रहे हैं, लेकिन बहुत लंबी लाइन है, आज संडे है इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। हम बहुत टाइम से चल रहे हैं और हम मेन गेट पर पहुँचने वाले हैं अब, जहाँ से एंट्री होनी है। क्यों दिशा जी, बताइए कुछ, आप कैसा लगा आपको? बहुत लंबी लाइन थी, मैं तो थक गई लाइन में खड़े। अब बस पहुँचने वाले हैं, आगे भी बहुत लंबी लाइन है, टिकट देखते कितना टाइम लगता है आगे जाके। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज संडे है इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, कितने लोग आए हुए हैं। फाइनली आ गए हैं हम लाल किले मेन गेट के सामने, जहाँ से हमारी एंट्री होनी है। अभी वैसे बहुत अंदर है, लेकिन अभी हमें आगे चल के जाना है, एंट्री उधर से होनी है। तो दिशा जी थक चुकी हैं टिकट लेने के चक्कर में ही, इतनी लंबी लाइन थी और आप देख सकते हो संडे इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अब हम एंट्री करने के लिए चल रहे हैं। आ जाओ इधर से ही एंट्री, सामने आगे से आने के बाद वहाँ से ले रखी है एंट्री इन्होंने। एंट्री हो गई है हमारी, लेडीज़ की लाइन अलग है, जेंट्स की लाइन अलग है। सो अब यहाँ पे चेकिंग है, चेकिंग करवाने के बाद फिर अंदर एंट्री है। फाइनली हमने एंट्री कर ली है और अब हम चल रहे हैं लाल किले के अंदर, और हम लाल किले के अंदर चलकर देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। लाल किले के एंट्री गेट पर हैं और एंट्री गेट पर ये 2 चीज़ें रखी हुई हैं, साइड इधर और इधर। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं और देखते हैं। ये है लाल किले का मेन गेट, जहाँ से लाल किले के अंदर की एंट्री होती है। अभी तक तो हमने लाल किले के लिए एंट्री करने के लिए आए हैं, अब ये मेन गेट है जो लाल किले के अंदर हम एंट्री करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंदर एक छोटी सी मार्केट भी है, लाल किले के गेट के अंदर से हम एंट्री करते हैं तो एक छोटी सी मार्केट हमें देखने को मिलेगी। मार्केट एक्सप्लोर कर रही है मैडम, अभी इनको कुछ पसंद आएगा तो ये ले भी लेंगे। तो चलते हैं आगे। अंदर एंट्री खोल चुके हैं तो फिर हम चलते हैं एक एक करके क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं। और दिशा जी पहले ही निकल रही हैं, पहले जल्दी जल्दी चल के सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना है, ये नौबत खाना है। ये है नौबत खाना,
और नौबत खाना है इसका नाम। नौबत खाने के जस्ट सामने ये शाहजहाँ का जो राजगद्दी है ना वो इसके सामने ही है बिल्कुल। बहुत ही सुंदर प्लेस है ये। हम आगे इसका नाम पढ़ते हैं, इसका नाम आखिर है क्या, लेकिन ये राजा का सिंहासन है ना, जो राजा का दरबार लगता था पहले, वो जगह है ये। आगे देखते हैं वहाँ लिखा हुआ नाम। एक्चुअली ये काम चल रहा है, इसके लिए अंदर जाने नहीं दे रहे, नहीं तो पहले एंट्री थी इसके अंदर, काम की वजह से अंदर नहीं जाने दे रहे। ये है दीवाने आम जहाँ पर राजा का दरबार लगता था, और आज गद्दी उधर है लेकिन दिख नहीं रही है, मैं उधर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, इसकी वजह से ये है राजा का सिंहासन, और ये है, हाँ ये है। एक्चुअली अंदर अभी एंट्री नहीं है क्योंकि काम चल रहा है, दिख रहा है आपको ये सामने मुमताज़ महल का क्रॉस दे रखा, तो चलते हैं मुमताज़ महल। हाँ वो मुमताज़ महल है, मुमताज़ महल देखने के लिए चल रहे हैं हम। आप कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा है यहाँ पे भी, बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम बहुत है, लेकिन सब जगह तो पता चल जाता है। मुमताज़ महल जाएंगे, हम अंदर भी जा रहे हैं, फोटो ले सकते हैं, वैसे देखते हैं ऊपर नहीं अलाउ, अंदर नहीं जा रहे। अच्छी जगह है ना, लेके जाएगा दीवाने खास, खास महल और रंग महल। हम चल रहे हैं दीवाने खास, रंग महल, खास महल। खास महल इधर ही है और दिशा जी भी इधर ही है, देखते हैं। बहुत ही अच्छे व्यू आ रहा है वैसे तो। ये रंग महल है, इसका नाम है रंग महल। ये कुछ बनाया हुआ अलग सा, पता नहीं पानी के लिए कुछ, वो डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ, पहले ज़माने में भी ऐसा करते थे। ये है दीवाने खास, अंदर जाने नहीं दे रहे, अंदर एंट्री नहीं है, लेकिन हम बाहर से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अंदर बहुत ही अच्छा डेकोरेशन बहुत अच्छी की हुई है, पहले ज़माने की देवनागरी लिपि वगैरह की डिज़ाइन लगाई हुई है। और ये है दीवाने शाह, एक्चुअली जो भी ये दीवाने खास है ना, खास महल है ना, हाँ जी। ये बहुत ही अच्छा है, व्यू आ रहा है वैसे, और पहले ऐसी महल बनाए करते थे, ये दीवाने खास हैं। मैडम पढ़ भी रही हैं, और मैं ऐसा भी कर रहा हूँ कि जो भी जिसको भी अगर इसके बारे में जानना हो वो पॉज करे वीडियो और उसे पढ़ सकता है आराम से। आगे चलते हैं हम। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, ये देखो ना पहले ज़माने में कैसे ये फ्लोर बनाया हुआ है, ये कलर फ्लोर उस टाइम में, और ये डिज़ाइन देखो कितना ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, कितना अच्छा लग रहा है ये देखो ना इधर। ये है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद इसका नाम है, और ये चारों तरफ से ही बंद है, इसको ओपन नहीं किया है पब्लिक के लिए, मोती मस्जिद है ये। वाह यार कितना बढ़िया लग रहा है। हाँ लेकिन ये कुछ और है, इसका नाम ये रहा, ये क्या सोच रही हो कि तुम भी पिछले के पिछले जन्म में तुम भी ऐसा ही करती थी, यहाँ पर रहती थी क्या शाहजहाँ के? अच्छा शाहजहाँ के जमानों में, जमाने में मेरा दोबारा जन्म हो गया। हाँ हाँ भैया तुम्हारा दोबारा ही जन्म होता है। आगे चलो, इधर इधर भी है ना, यही है ना सावन भादो मंदिर। ओके बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारे म्यूज़ियम हैं, एक यहाँ पर 5 म्यूज़ियम है टोटल लाल किले में, और जो भी सामान रखे हुए राजाओं के जमाने के, मतलब उनके पे, और दिशा जी अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए हैं, उनको लग रहा है मैं उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनको नहीं पता। इधर है एक म्यूज़ियम, ये है समय उनका, ये सामान रखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर मैं आपको कुछ दिखाता भी हूँ। तो हमने आज पूरा रेड फोर्ट को एक्सप्लोर किया है,
और बहुत ही मज़ा आया हमें भी। अगर आप भी विज़िट करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन आज संडे था, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा अभी भी लाइन लगी हुई है, बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हाँ, पूरी वीडियो जरूर देखना, मज़ा बहुत आने वाला है वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।